नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2022 में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी टीम की हो रही है तो वो हो रही है मुंबई इंडियंस की, क्योंकि मुंबई इंडियंस आईपीएल के इतिहास में कभी भी 6 मैच शुरुआत के लगातार नहीं हारी है, लेकिन इस बार ऐसा हो गया, जिसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाए। रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या वास्तव में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना चाहिए? क्या वास्तव में रोहित शर्मा गलत कप्तानी कर रहे हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत बड़े हैं। जिस कप्तान के ऊपर अब से कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था कि वो आईपीएल का सबसे बेहतर कप्तान है, सबसे सफल कप्तान है, आखिर उस कप्तान के ऊपर, उस खिलाड़ी के ऊपर एकदम सवाल क्यों? तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। दरअसल देखिए, किसी भी कप्तान को बड़ा बनाते हैं उसके खिलाड़ी। खिलाड़ी अगर नहीं चलेंगे तो कप्तान क्या करेगा? अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप पॉइंट्स के आधार पर समझ जाएंगे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले, रोहित शर्मा की टीम ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया ईशान किशन पर, बहुत मोटा पैसा दिया, 15 करोड़ से ऊपर की रकम में खरीदा। ईशान किशन के चलते ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकोक जैसे खिलाड़ियों को नहीं खरीद पाए, जिसके बाद ईशान किशन ने उस भरोसे पर खरा नहीं उतरे और लगातार फेल होते जा रहे हैं, रन बना नहीं रहे हैं। तो अगर ईशान किशन जैसा महंगा खिलाड़ी रन नहीं बनाएगा तो रोहित शर्मा क्या करेंगे? दूसरे नंबर का खिलाड़ी पोलार्ड को रिटेन किया, पोलार्ड की जगह मुंबई इंडियंस किसी दूसरे खिलाड़ी को रिटेन कर सकती थी, ट्रेंट बोल्ट को कर सकती थी, क्विंटन डिकोक को रिटेन कर सकती थी, लेकिन पोलार्ड को किया, भरोसा जताया और उस भरोसे पर पोलार्ड भी खड़े नहीं उतरे हैं। पोलार्ड का भी अभी तक आईपीएल 2022 के 6 मैच में कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है। तीसरे खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह, नाम बहुत बड़ा है लेकिन विकेट नहीं ले पा रहे हैं। रोहित शर्मा की टीम जब जब जीती है बुमराह का बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन आईपीएल 2022 की अगर हम बात करें तो बुमराह विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे हैं। चौथे खिलाड़ी के तौर पर अगर हमें देखें तो दो खिलाड़ी हैं, टिम डेविड और डेनियल सैम। इन दोनों के बारे में आईपीएल 2022 में कहा जा रहा था कि ये दोनों में से कोई एक हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट बनेगा, बेहतर खेल दिखाएगा, ऑलराउंडर दोनों हैं। लेकिन इन दोनों को शुरुआत के मैचेस में लगातार मौका दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि उनके टीम के खिलाड़ी कितना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बेहतर कर रहे हैं। जब टीम ही बेहतर नहीं खेलेगी तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाना जायज नहीं है। रोहित शर्मा की कप्तानी पर इस तरीके से लांछन लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि टीम बेहतर नहीं कर रही है। जिन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया वो खिलाड़ी भरोसे पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया वो खिलाड़ी उस तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर टीम हार रही है, सबसे बड़ी गलती अगर मैं मानता हूं तो मुंबई इंडियंस की बिल्डिंग में रही। मुंबई इंडियंस को बिल्डिंग में ये सोचना चाहिए था कि किन खिलाड़ियों को खरीदना है, मैच विनर खिलाड़ी कौन से हैं, किन खिलाड़ियों पर दाव लगाना है, और कहीं ना कहीं इस रणनीति में मुंबई इंडियंस फेल रही। क्योंकि मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा को अगर बेहतर टीम दी जाती तो फिर रोहित शर्मा हो सकता है कि इस बार भी बेहतर प्रदर्शन करते, लेकिन अगर खिलाड़ी मैदान पर उतरकर प्रदर्शन ही नहीं करेंगे, खेलेंगे ही नहीं, बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे, गेंदबाज विकेट नहीं चटकाएंगे, तो रोहित शर्मा कैसे टीम को जिताएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाने से पहले हमें उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन को जरूर देख लेना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठाना कितना जायज है। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।